हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड आज एक इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से आया हूं क्योंकि बहुत आज का ये सेशन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों क्योंकि आज हमने इस सेशन के अंदर बात करनी है हाउ टू फिल द एस बी आई एप्लीकेशन फॉर्म दो हम सभी जानते हैं एस ने अपनी टू थाउजेंड वैकेंसी निकाली है और ये फॉर्म हम अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते तो कहीं ना कहीं हर इंसान का जो तैयारी कर रहा है इस टाइम एग्जाम की गवर्नमेंट जॉब की तो उसका एक सपना होता है कि एस में जॉब लेनी लेनी है जो मर्जी हो जाए तो ये फॉर्म आप ध्यान से भरें कुछ दोस्तों को फॉर्म थोड़ी सी भरने में तकलीफ होती है तो उसके लिए आज हमें सेशन लेके आए हैं इस सेशन में आपको मैं आज लाइव बताऊंगा कि आपने कैसे फॉर्म भरना है क्या क्या सावधानी रखनी है फॉर्म भरने के लिए ठीक है कोई भी डाउट आपका है उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं वहां पर भी मैं आपको करने कोशिश कि कि जो भी आपका, जो questions होगा, उसके regarding जो भी भी आपका होगा उसके ठीक है तो चलिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि कैसे हमें SBI का ये फॉर्म फिल करना है ठीक है तो सबसे पहले आपने करना क्या है सबसे पहले आपने मेकमा डॉट इन पे क्लिक करना है ठीक है जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा जैसे ही आप सामने देख रहे हो कि आपके सामने पूरा वेबसाइट ओपन हो चुका है make my आप जब लिखोगे तो ओपन हो जाएगा और आपने उसको थोड़ा सा स्क्रोल करना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे एसबीआई क्योंकि ये आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं एफ ए क्यू के रिगार्डिंग जैसे ही आप एफ ए क्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने एफ वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा फ्रीक्वेंटली क्या है वो है जो आपके माइंड में घूमते रहते हैं कि क्या वैकेंसी क्या कट ऑफ क्या प्रॉब्लम आएगी कितना कट ऑफ जो भी आपका फोटो का साइज रहने वाला है वो सारी चीजें जो है वो यहां पर जो है बेसिकली लिखी गई है लेकिन ये आप जो अगर प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो अदरवाइज आप डायरेक्ट लिंक पे जाएं और सबसे लिस्ट में लास्ट में आप जब देखोगे तो लिंक दिया हुआ है क्लिक हियर टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा विंडो आप डायरेक्ट ओपन जैसी होगा यह आपके सामने एसबीआई का विंडो है जहां पर आपने फॉर्म फिल करना है और सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे यहां से आपका वो स्टार्ट होना की जो है, वो से हो चुका है और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो तेरह पांच है तेरह मई को फॉर्म की जो लास्ट डेट है ध्यान रखनी है आपने एडिटिंग की भी डेट जो है तेरह पांच तेरह पांच तक ही अपने फॉर्म में आप एडिट कर सकते हो अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो और आपका प्रिंटिंग एप्लीकेशन का जो फॉर्म है डेट है वो है अट्ठाईस पांच जो कि सामने लिखी हुई है आप साइड में देख सकते हो अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस की फॉर्म कैसे भरना है तो जैसे आप देख रहे होंगे येलो कलर में आप ब्लैक कलर से लिखा हुआ है क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आप इस पर क्लिक करिए जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एस का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि ये आप देख, आप देख देखो ये चीजें हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी तो आप डायरेक्ट इसको कंटिन्यू कर दीजिए यहां पर आपने वो चीजें फील करनी है अब आप ध्यान से देखिए सबसे पहले यहां पर दिया है बेसिक इन्फो पहले नंबर पे जो ऑप्शन है बेसिक इन्फो मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने यहां पर फील करनी है सेकंड ऑप्शन है फोटो एंड सिग्नेचर जहां पर आप अपने फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करोगे जिनके लिए कुछ रिस्ट्रिकेशन होती है कि कितने के बी का साइज होगा वो डिफाइन किया हुआ है वहां पर आगे जैसे मैं ऑप्शन में आऊंगा आपको मैं बताऊंगा थर्ड ऑप्शन है डिटेल्स यहां पर आपने कंप्लीट डिटेल फिल करनी है अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह वगैरह ये सारी चीजें फिल करनी है उसके बाद प्रीव्यू कि आपने जो फाइनल फॉर्म भर दिया है उसका प्रीव्यू कैसे दिखेगा देन फाइनली पेमेंट करनी है तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से जैसे आपको ये फर्स्ट नेम नजर आ रहा है यहां पर यहां पर मैं कोई भी नाम ले लेता हूं सपोज करो अजीत मैं ले लेता हूं अजीत मैंने यहां पे लिखा उसके बाद अगर आपका देखो यहां पर दो ऑप्शन होते हैं एक फर्स्ट नेम एक कंफर्म फर्स्ट नेम अब जो फर्स्ट नेम है वही कंफर्म फर्स्ट नेम होगा डेफिनेटली तो आप डायरेक्ट इसको अजीत को यहां पर लिख दीजिए उसके बाद मिडिल नेम अगर आपका कोई है जैसे कुछ लोग कहते हैं राम मनोहर लोहिया तो मिडिल नेम मनोहर हो गया ठीक है ना तो ये चीज आप ध्यान रखनी है मिडिल नेम अगर आप यूज करते हो तो मिडिल नेम आप लिख सकते हो अब यहां पर मिडिल नेम आप कुछ लोग नहीं यूज करते हो, तो डायरेक्ट लास्ट नेम में आप जाइए कुमार name, कुमार कंफर्म कंफर्म नेम अब अब ये ये हमने कर दिया बेसिक इन्फो थी आपकी पहला नेम वाली उसके बाद स्क्रोल करिए यहां पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लिया जो नंबर बेसिकली आपने जिस जो आप यूज कर रहे हो क्योंकि आपको एक मैसेज उसी पे जाएगा और सारी रिटेल बाद में उसी नंबर के थ्रू प्रोसेस होती है तो आप वो नंबर यहाँ पे प्लीज लिखिए जो आपका रनिंग नंबर है ऐसा कोई सिम यूज ना करें जिसको आप एक घंटे के लिए चलाते हो ऐसा सिम यूज करें जो परमानेंट आपके पास रहता है ठीक है अब भी आपका आपका जो बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड वो भी आपके इसी नंबर पर जाएगा जो आप यहाँ पर फिल करोगे अब यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप फिल कर सकते हो नाइन कुछ भी एनीथिंग एल्स जो भी मैं यहां पर एक डमी ले लेता हूँ ठीक है अब ये कंफर्म मोबाइल नंबर अब कंफर्म मोबाइल नंबर जो आपने ये लिखा है वही सेम चीज चलेगी फाइव सेवन उसके बाद आएगा आपका एट टू अगर आप ये चीज गलत कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा कि आपके इस पेज में यहां पर एरर है अब उसके बाद Alternate number, अब ये देखो नहीं है यहां पर एक ध्यान से देखना तो आपको एक मार्क नजर आएगा जो रेड मार्क होता है उसका मतलब होता है मतलब ये पार्ट आपको फिल करना ही करना है लेकिन जो मार्क नहीं होता तो वो ऑप्शनल होता है आप उसको फिल कर सकते हो और छोड़ भी सकते हो तो अल्टरनेट नंबर आप अगर देना चाहो अपने पापा या मम्मी का तो वो आप दे सकते हो कोई इश्यू नहीं है उसके बाद

देखो कैफे वाले जो कुछ लोग हैं जब आप कैफे में जाते हो तो कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी में आपका फॉर्म भर देते हैं जो गलत हो जाता है बाद में आप आप प्रॉब्लम में फेस करते हो कि यार आधार नंबर गलत भर दिया ये चीज गलत हो गई तो आप एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से फिल करें अब उसके बाद यहां पर आता है सिक्योरिटी कोड आप सिक्योरिटी कोड अप्लाई कर दीजिए बी एच फाइव जो भी है उसके बाद फाइनली आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे आपके मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और एक पासवर्ड आ जाएगा उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर को अगर आप आप चाहते हो कि मैं बाद में फिल करूं। पार्ट, आप बाद में में फिल दूसरा पार्ट यूज कर सकते हो अदरवाइज आप पार्ट पे जा सकते हो जैसे कि ये बेसिक इन्फो मैंने वहां पे किया तो आपको ऐसे दिखाएगा ये आपकी बेसिक इन्फो है जो मैंने अभी फिल किया ठीक है अब उसके बाद आप पार्ट हमारा जो है वो है फोटो एंड सिग्नेचर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे देखो ये मैंने ऑलरेडी कोई फॉर्म भरा हुआ है तो वही मैं आपको एडिट करके दिखा रहा हूं कि हमने ये फॉर्म कैसे भरा है ये मेरे एक स्टूडेंट का फॉर्म है तो वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं अब देखिए यहां पर ये उसका फोटो अब फोटो के लिए कुछ गाइडलाइन है वो गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है आप देखो गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा वहां पर साफ साफ लिखा है कि जो फोटोग्राफ है ये देखिए यहां पर डायमेंशन भी दी हुई है सबसे बड़ी बात देखो ये प्रोफाइल फोटो नहीं होती कोई आपकी फेसबुक की या व्हाट्सएप की यहाँ पर ब्लैक एंड ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बिल्कुल नहीं चलेगी आपकी कलर फोटो चलेगी वो भी पासपोर्ट वाली जिसमें हम सिंपल बिल्कुल एकदम अच्छे बच्चे बन के बैठे रहते हैं तो वो वाली फोटो लगानी है आपने कोई ऐसी फोटो नहीं लगानी जो ब्लर हो या चश्मे में लगा दी आपने थोड़ा स्टाइल मार के आजकल लोग सेल्फी के लिए पोज बहुत बनाते हैं सेल्फी वाली फोटो नहीं होनी चाहिए आपको एक पासपोर्ट वाली अच्छी वाली फोटो यहाँ पे लगानी है जिसका जो साइज है फाइल का जो साइज है शुड बी ट्वेंटी के बी टू फिफ्टी के बी मतलब 20 के बी से लेके 50 के बी तक होना चाहिए कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि यार हम फोटो स्कैन कैसे करें आप आपके पास अगर हार्ड कॉपी है उसको रखे आपके आप, आज के टाइम आज के में आपके पास बड़े अच्छे अच्छे फोन होते हैं सिंपल उसका फोटो खींचे उसके बाद उसको क्रॉप करें और अगर वो वहां से आपसे साइज नहीं कम हो रहा है तो आप ऑनलाइन जाएं और उसको रिसाइज कर सकते हो डायरेक्ट ही आप गूगल पे लिखोगे रिसाइज पिक्चर तो ऑटोमेटिकली लिंक आ जाएंगे वहां पर आप उस पिक्चर को अपलोड करके ये साइज लिख दीजिए ऑटोमेटिकली वहां पर वो साइज बन जाएगा उसके बाद आप इस चीज को अपलोड कर सकते हो तो आप ध्यान रखना फोटो का जो साइज होगा ट्वेंटी टू फिफ्टी होगा और जो सिग्नेचर होगा वो भी देखिए सिग्नेचर के भी ऑप्शन दिया हुआ है टेन के बी टू ट्वेंटी केबी तो ये टेन केबी से लेके ट्वेंटी केबी तक आप सिग्नेचर का जो साइज है वो बनाएंगे ठीक है उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा अब यहां पर फोटो और सिग्नेचर यहां पे लिखा है चूज फाइल अब इस पे जब जैसे आप क्लिक करोगे तो फोटो वो आपके डेस्कटॉप पे पड़ी होगी जहां भी पड़ोगी वहां से सिलेक्ट करके आप इसको अपलोड कर दीजिए जैसे आप चूज करोगे अपलोड हो जाएगा और यहां पर भी ऐसे सिग्नेचर का अपलोड हो जाएगा अब इसके बाद आप इसको करोगे नेक्स्ट जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट वाला विंडो आ जाएगा जहां पर आपको फिल करना है अपना डिटेल्स डिटेल्स और details में भी दो चीजें आती है, एक बेसिक और एक क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है वो सारी चीजें अब सबसे पहला जो ऑप्शन हमारा आता है वो आता है बेसिकली कैटेगरी का अब जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करना चाहो एस सी एस टी ओबीसी जनरल जो आपकी कैटेगरी है ठीक है अब यहां पर जैसे कि ओबीसी कैटेगरी फिल की हुई है और उसके बाद सब कास्ट अगर आपका सब कास्ट है देखो यहाँ पर जनरल में फिर भरोगे आप ओबीसी में जब भरोगे तो यहाँ पर जो भी आपका सब कास्ट है वो आपने फिल करना है उसके बाद आर यू आ, यहाँ पर एक नीचे एक नीचे ऑप्शन फिर आएगा कि क्या आप आ, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी की आप हैं तो यस yes या नो no, तो नो no, मतलब आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो बता दीजिए तो वो आपको फिल करना होगा यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर आपने नो no किया है तो वहां पर तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ठीक है अगर आपने यस किया है तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको बतानी पड़ेगी कि किस टाइप की डिसेबिलिटी आपकी है और परसेंटेज भी बताना पड़ेगा क्योंकि वो सर्टिफिकेट बनता है गवर्नमेंट के थ्रू या किसी डॉक्टर के थ्रू जिसमें परसेंटाइल डिफाइन होता है कि आप कितने परसेंट जो है वो डिसेबल हो ठीक है इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है कि आ, उसके बाद देखो आ, स्पीड अफेक्टेड ये भी नहीं आएगा इसमें आपने कुछ भी फील नहीं करना है यहां पर आपको फिर आएगा कैटेगरी देखो कैटेगरी कोड जो है जैसे आपने ऊपर ओबीसी सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली यहां पर कैटेगरी कोड आ जाएगा आपको याद करने की जरूरत नहीं है हालांकि नोटिफिकेशन में भी चीज मेंशन की गई है कि किस कैटेगरी का क्या कोड है तो यह भी चीज आपने ध्यान रखनी है तो यहां पर ऑटोमेटिकली वो कैटेगरी कोड ले लेगा उसके बाद उसके बाद वो पूछता है कि आप जम्मू कश्मीर से हो तो डोमेसाइल आपके पास जम्मू कश्मीर का है अगर है तो यस नहीं है तो नो उसके बाद आपसे पूछेगा वो कि आपका धर्म क्या है हिंदू हिंदू है बुद्धिज्म दिया है क्रिश्चियन दिया है हिंदू दिया है जैन दिया है मुस्लिम दिया है सिख दिया है तो ये सारे दिए हैं अगर अदर है इसके अलावा तो आप वो भी फील कर सकते हो जो भी आपका धर्म है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो उसके बाद वेदर यू बिलोंग टू रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो ठीक है माइनर मतलब कम संख्या में होते हैं उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी बोला जाता है तो नो नहीं है यस हो तो यस कर दीजिए अगर आप एक्सर्विस मैन हो एक्सर्विस मैन आर्मी में आपने जॉब किया है एक्स सर्विस मैन का आपके पास कोटा चलता है तो आप यस कर सकते हो वहां पर भी उसके बाद फाइनली अब जब एक्स आप करोगे तो यहां पर आप कुछ यस कर दोगे ना तो आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि कितने टाइम आपने आपने जॉब किया है है अब मैक्सिमम यहां पर मतलब मंथ्स में में लिखना ईयर नहीं जैसे पांच साल जॉब किया है तो उसको मंथ में डिवाइड मंथ में मल्टीप्ल कैलकुलेट कर लीजिए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और वही सिर्फ यहाँ पे मंथ में लिखना है ये बात ध्यान रखनी है वो भी थ्री डिजिट थ्री डिजिट से ज्यादा नहीं लिखना उसके बाद अब आपने एस का एग्जाम जो है वो कितनी बार दिया है ये चीज यहां पर काउंट करनी है अब देखो यहां पर एक लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एज ए चांस मतलब में अगर आपने चाहे चार बार भी दिया है तो वो काउंट नहीं होता लेकिन मेंस आपने कितनी बार दिया है ये चीज काउंट होती है और हम सब जानते हैं एस में जनरल के लिए चार चांस होते हैं ठीक है, है ना अगर देखो ओबीसी है तो सात हो जाएगा अगर एस है तो वो अनलिमिटेड होता है तो ये सारे चांसेज है लेकिन वो चांसेज काउंट होते हैं सिर्फ मेन्स के प्री के काउंट नहीं होते ये चीज लिखी हुई है यहां पर कि प्री का जो है वो काउंट नहीं होता तो इसलिए यहां पर हमने क्या कर दिया है जीरो कि हम मेंस में अभी तक नहीं पहुंचे हैं उसके बाद फाइनली हमारा क्या आता है

इट मे बी भाई कोई क्लर्क है वो प्योर बनना चाहता है तो आप डायरेक्ट क्लर्क वाला अगर आप ऑलरेडी हो तो आप डिपार्टमेंटल में माने जाओगे तो यहां पर आप यस और नो अगर नहीं है तो नो no, हो तो यस yes. उसके बाद एक्स एक्स इंप्लॉय हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर नहीं हो तो नो no कर दीजिए है तो यस yes कर दीजिए डू यू हैव आधार कार्ड अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस yes कर दीजिए अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दीजिए लेकिन यहां पर डू यू होल्ड आधार कार्ड कंपलशन किया गया है तो आपको फिल करना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पर एस्ट्रिक एस्ट्रिक मार्क है 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 और का मतलब होता वो आपने फिल करना ही करना ही तो आधार आधार नंबर यहां पर है, जिसके पास नहीं है, फिर यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपको तो वो भरना ही भरना है ये और नो आधार कार्ड नंबर ये बताना है कि है या नहीं है ये कंपल्सन है लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप आधार कार्ड नंबर को ब्लैंक छोड़ सकते हो ठीक है बात आपने याद रखनी है कि कभी आप यह सोचोगे पास तो आधार कार्ड है ही नहीं तो क्या मैं फॉर्म नहीं भर सकता ऐसा नहीं है आधार कार्ड आपके पास है या नहीं ये बताना कंपलसन है आप सीधा कह दो भाई मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं आप अगर बोलोगे हाँ है तो ठीक है वो नंबर भी नीचे फिल कर दीजिए पैन नंबर अगर आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है तो वो भी फिल कर दीजिए अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है कोई जरूरत नहीं है यहां पर फील करने की कुछ भी जैसे हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे हमने कुछ भी आधार कार्ड जो है वो लिख दिया है एक फर्जी ले लिया ऐसे ही कोई हमने ये पूरी डिटेल ओरिजिनल नहीं है हम सिर्फ फोटो और सिग्नेचर यूज कर रहे हैं बाकी तो हम ये आधार कार्ड हमने ऐसे ही टाइप कर दिया यहाँ पर उसके बाद पैन भी हमने ऐसे ही टाइप कर दिया यहाँ पर फिलहाल ठीक है उसके बाद ये आपको सिर्फ समझाने के लिए किया हुआ है डमी हमने जो है डॉक्यूमेंट डेटा उठाया है और उससे हम आपको समझा रहे हैं कि फॉर्म भरना कैसे है अब नेशनलिटी इंडियन जो भी आपकी है वो आप यहां पर भर सकते हो ठीक है उसके बाद अब एग्जामिनेशन सेंटर अब यहां पर आपको प्री और मेन दोनों के लिए सेंटर मिलेंगे आपने क्या करना है पहले प्री के लिए बताना है कि प्री कहा है पंजाब में आपने देना है जहां भी आपने देना है कर दीजिए ठीक है तो वो स्टेट कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसके बाद आप देखो स्टेट कोड थर्टी आ गया ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट है वो एडिट नहीं कर सकते आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जलंधर आप, आप जो मर्जी अब पंजाब के अंदर कहा का सेंटर है वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे अमृतसर बठिंडा लुधियाना मोहाली पठानकोट पटियाला संगरूर ये सारे सेंटर है तो यहां पर हमने जलंधर कर दिया उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर फॉर मेन मेन के लिए आपने कहा जाना है तो वो आप स्टेट डिफाइन कर दीजिए सेम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन फाइनल डिफाइन कर दीजिए उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ का जो है बेसिकली देखो ऑटोमेटिकली पर एज कैलकुलेट हो जाएगी और एज भैया तो, तो इनकी एज आ गई कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दी गई है एज कंप्लीटेड एज एक अप्रैल दो ऑटोमेटिकली एक अप्रैल दो हजार अठारह था तक उन्होंने कैलकुलेट कर दिया इस एज को अगर आप ज्यादा लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मना कर देगा कि आप एलिजिबल नहीं हो ठीक है तो ये ध्यान रखना जेंडर मेल फीमेल या अदर मेल या फीमेल जो भी आप मैरिटल स्टेटस जो भी आप आप शादीशुदा है या नहीं है या फिर विधवा है और डिवोर् है तो ये सारी चीजें ऑप्शन में दी हुई है तो आप यहां पर कर दीजिए जैसे इसका कर दिया हो गया अब उसके बाद फादर्स नेम अगर लड़की है तो हस्बैंड नेम दोनों भाई लड़का है तो अपना फादर का नेम भर दे लड़की है मतलब शादीशुदा है तो हस्बैंड का नेम भर दे ठीक है ऐसे ही आगे भी मदर का भी आ गया मिडिल नेम पहले आ गया फर्स्ट नेम फिर आ गया मिडिल नेम फिर आ गया लास्ट नेम अगर आप मिडिल नेम यूज करते हो और लास्ट नेम यूज करते हो तो, तो लिख दीजिए अदरवाइज फर्स्ट नेम तो कंपलसरी है यहाँ पर वो आपने भरना ही भरना है उसके बाद मदर्स नेम एड्रेस जो भी आप एड्रेस यूज करते हो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आप यहां पर फिल कर दीजिए पूरा एड्रेस एड्रेस टू एड्रेस ये लाइन है लिख दीजिए जो भी आप यूज करते हो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप लिख दीजिए फाइनली आप स्टेट लिख दीजिए और उसके बाद आप पिन कोड लिखोगे पिन कोड तो मेरे ख्याल में आपको याद ही होगा अपने एरिया का आप जो भी है तो वो यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए अब देखो आप अगर आप सेम एड्रेस परमानेंट एड्रेस आपका वही है जो कोरोस्पॉन्डेंस है तो आप बस डायरेक्ट यहां पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाला एड्रेस है वो नीचे वो उठा लेगा ठीक है अब उसके बाद यहां पर आ गया हमारा उंट ये बता रहा है कि भाई तुम क्योंकि ओबीसी का है तो 600 उसने अमाउंट दिखा दिया अब यहां पर देखो आप पूरी इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट एंड डिटेल कर सकते तो मतलब हैं है, वो बिल्कुल सही डाली है स, मतलब कोई भी चीज आपने मिस नहीं किया है आप ओके okay पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए जैसी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन क्वालिफिकेशन वाला ठीक है ये लास्ट है उसके बाद तो प्रीव्यू होता है हमारा अब क्वालिफिकेशन देखिए ये इंपॉर्टेंट है इस बार यहां पर क्योंकि यहां पर दो ऑप्शन है एक अपियरिंग और एक पास्ट अपियरिंग आप कर दोगे तो भैया क्या होगा ये जो परसेंटेज वाला कॉलम है ये खत्म हो जाएगा आप यहां पर अगर पास्ड कर दोगे तो यहां पर जो है परसेंटेज हो जाएगी ठीक है जैसे आप परसेंटेज सो हो जाएगी अब आपको यहां पे फील करना पड़ेगा ठीक है जो भी डेट ऑफ पासिंग अगर आप पास करते हो तो आप देखो पास कब किया ये आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर जो भी आपका आ, सब्जेक्ट रहा है डिग्री में अगर आप अपियर भी हो देखो अगर आप अपेयरिंग हो तो आप यहाँ पर अपेयरिंग पे क्लिक करो उसके बाद साइंस वगैरह वगैरह दिस 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 ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे उसके बाद आप जहां से आपने किया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आप उस पर क्लिक कर दीजिए लिख दीजिए वहां पर पूरा पासिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज कहाँ से किया है प्लेस वो लिख दीजिए सॉरी जलंधर लिख दिया हमने है उसके बाद देखो अगर आपने है तो, तो, तो यहां पर, है। है? पर आता है ऐसे ही सेम आ, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद भी कोई डिग्री डालनी है जैसे आप ड्यूअल डिग्री डालते हो तो इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री डालते हो तो वो भी ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है आप इसको भी सिलेक्ट करके इजिली यहाँ पर कर सकते हो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने डाल लिया है तो डाल सकते हो ये कंपल्सन नहीं है आपकी इच्छा है अगर आप डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो सपोज अगर आपने एम किया है तो आप मास्टर डिग्री डाल दीजिए यहाँ पर कंप्यूटर की ठीक है उसके बाद ऑप्शन आता है कि अगर आप एस सी एस टी या रिलीजियस माइनोरिटी कम्युनिटी को वो करते हो ठीक है तो यहाँ पर यस और नो कर दीजिए क्योंकि उसके लिए सरकार आपको फ्री ट्रेनिंग देती है कि भैया गवर्नमेंट एग्जाम देने से पहले एसबीए का ये एग्जाम कोई भी हो बेसिकली का कोई भी एग्जाम हो तो वो आपको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी सेंटर में आप यहां पर सेलेक्ट जैसे आप इसको यस करोगे ना तो यहाँ पर बेसिकली ये यस अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ओबीसी कैटेगरी सेलेक्ट कर दी थी तो ये इसलिए हाइड हो गया जैसे ही इसको आप यस करोगे तो यहां पर ऑप्शन ओपन हो जाता है कि कहां पर आपने ट्रेनिंग करनी है तो यहां पर आपने फिर वो सेंटर सिलेक्ट करना होता है वहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी उसके बाद लैंग्वेज नोन का ऑप्शन आता है इंग्लिश हिंदी एंड पंजाबी आप इंग्लिश बोल सकते हो लिख सकते हो राइट कर सकते हो सुन सकते हो ये तीनों चीजें आपने है सुनना बोलना लिखना और पढ़ना ये तीनों चीज आप क्लिक करोगे यहां पर ठीक है हिंदी अगर आपको हिंदी आती है देखो एक तो कंपलशन है एक तो आपने लिखनी ही लिखनी है जैसे यहां पे एस्ट्रिक का जो मार्क है रेड वाला वो पहले वाले पे है तो पहला तो आपने भरना ही है उसके अलावा अगर दो आती है आपको या नहीं भी आती ब्लैंक छोड़ दीजिए आती है या कितनी आती है सपोज करो हिंदी आपको भैया पढ़ना आता है लिखना आता है ठीक है बोलना आता है पंजाबी आपको पढ़ना आता है लिखना आता है प्रॉपर बोलना नहीं आता स्पीक वाला कॉलम छोड़ दीजिए ठीक है तो ये आपका हो गया पूरा डिटेल उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे ठीक है मैंने एक डिटेल वहां से बिठाई थी तो मैं एक बार बैक जाके फिर उसके बाद फ्रंट पे आऊंगा मैं इसको सेव करता हूं उसके बाद हम चलते हैं आगे एंड नेक्स्ट पे <coughs> और ये जैसे ही एंड नेक्स्ट हुआ उसके बाद ये डिटेल आ गई हमारी उसके बाद एंड नेक्स्ट कर दीजिए ये मैं आपको समझा चुका हूं अभी अब ये आ गया हमारा कंप्लीटली प्रीव्यू ठीक है जैसे ही प्रीव्यू पूरा है ये देखिए पूरा प्रीव्यू है कोई इश्यू इसमें नहीं है सारा फॉर्म कंप्लीटली भरा जा चुका है सारी डिटेल आपके सामने है अगर अभी भी आपको लगता है कि यार नहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है तो आप सबसे पहले काम करें इसका प्रिंट आउट ले, ले। आप खुद चेक करना चाहते हो एक बार इसका प्रिंट आउट ले, ले और प्रिंट आउट लेने के बाद इसको एक बार चेक कर ले। कि सारी डिटेल प्रॉपर है क्योंकि यहां पर सभी चीजें दी गई सारी चीजें दी गई है सामने जो जो आपने फिल किया है वो सारा कुछ भरा हुआ है आप एक बार पढ़ सकते हो डायरेक्टली इसको देख सकते हो क्या क्या आपने किया है अगर आपको लगता है ये फाइनल है प्रॉपर है तो फिर आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिए जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे यहां पर आएगा आर यू श्योर एज नो चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउ आफ्टर सबमिट अब उसके बाद ओके okay. जैसे ही आप ओके okay करोगे तो आप पेमेंट डिटेल पे पहुंच जाओगे मैं अगर इसको बैक करता हूं देखो अभी मैं इसको फाइनल सबमिट कर देता हूं ये लीजिए फाइनल सबमिट ये पूरा फाइनल सबमिट हो गया है अब यहां से बस पेमेंट होनी है अब जैसे ही आप ये कोड डालोगे एफ बी सिक्स क्यू थ्री एफ बी सिक्स क्यू थ्री ये अब इसको आप यहां पर सबमिट कर दीजिए ये जो कोड दिया हुआ है सबमिट अब ये कह रहा है डू यू वांट टू तो सबमिट ओके यस अब ये पेमेंट गेटवे चल रहा है हमारा आप इसको रिफ्रेश नहीं करोगे ये ऑटोमेटिकली जो है आईबीपीएस का पेमेंट गेटवे आपके सामने आ गया है अब यहां पर आपको जो है वो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि आपने पेमेंट कैसे करनी है इंटरनेट बैंकिंग यूज करनी है ठीक है इंटरनेट बैंकिंग करनी है तो कौन सा बैंक से करनी है जो भी आपके पास यूज कर रहे हो डेबिट कार्ड आपने यूज करना है या आपने क्रेडिट कार्ड यूज करना है जो भी आपके पास है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो आप अगर डेबिट कार्ड यूज करना चाहते हो तो डायरेक्ट डेबिट कार्ड का नंबर यहां पर लिखिए उसका मंथ लिखिए कब वो बेसिकली मंथ एंड ईयर एक्सपायरी डेट जो होती है उसके ऊपर लिखा होता है और फिर डेबिट कार्ड के बैक साइड पर तीन वाल, तीन वाले नंबर का एक नंबर लिखा होता है जिसको हम सीवीसी बोलते हैं वो आप लिख दीजिए कार्ड होल्डर नेम उसके बाद मेक पेमेंट जैसे मेक पेमेंट करोगे पेमेंट आपकी हो जाएगी फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा फाइनली उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो ठीक है तो ये था आपका पूरा डिटेल और उसके बाद ठीक है ये पूरा डिटेल था कार्ड की पूरी डिटेल आ गई सबमिट हो गया है अब हम यहां से हट जाते हैं ये मैंने पूरा फॉर्म आपको प्रॉपर बता दिया है समझा दिया है अब देखिए बेसिकली जो था वो सारा मैं आपको बता चुका हूं प्रोसेस ठीक है उसके बाद भी दोस्तों अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ठीक है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर सकूं गलत फॉर्म बिल्कुल ना भरे क्योंकि कहीं ना कहीं फिर बाद में हमें पंगा पड़ जाता है अगर आप गलत फॉर्म भरते हो तो ठीक है तो आज के शो के लिए अलविदा करते हैं आई होप सो आप फॉर्म भरना सीख गए होंगे और आपको अभी फॉर्म में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी चलिए थैंक यू सो मच